A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. आपके इस क्वेश्चन में दिया क्या है? आपके इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर. तो आप सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में. तो एक किलोमीटर में कितना होता है मीटर? 1000 मीटर. और 1 आवर में कितना? 60 मिनट. और 60 मिनट में फिर 1 मिनट में 60 सेकंड. तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अगर 60 के साथ तो आपका कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 3600 सेकंड. और डिवाइड कर दो 36,000 मीटर से 3600 सेकंड का, तो 10 मीटर पर सेकंड. और टाइम कितना आ जाएगा? 10 सेकंड. और तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी की वैल्यू 10 पुट कर दो, यू 0 और ए को ए रहना है क्योंकि ए आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. तो फिर यहाँ से 0, 10 से 10 कैंसिल हुआ तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रेसिंग कार है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन है. और 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हमारे पास रिलेशंस आता है डिस्टेंस का, एक्सेलरेशन का और इनिशियल वेलोसिटी का. तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. तो आप सबसे पहले आप देख लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आप स्क्वायर कर देना इससे. ये आपका क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फिर हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस तो ये रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10, हाफ का हाफ, ए एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 4 इंटू 10 टू द होल पावर 2, 10 का स्क्वायर 100 और ये 1/2, 2 से कैंसिल कर लो 4 को 2 टाइम्स, तो क्या बच जाएगा? 2 1 2 और 2 से कैंसिल करा तो कितने आया? 2 आया. और 100 के स्क्वायर कितना होता है? और 10 के स्क्वायर कितना होता है? 100, बिकॉज आपके पास 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है. ये तो आप 100 वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो 100 टू जा 200. तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया? 200 मीटर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशंस को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. कि जब जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, तो उन सारे मोशंस को हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी सीख सकते हैं. स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को हम ग्राफ की मदद से फाइंड कर सकते हैं. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? मोशंस का. तो सबसे पहले हम जो ग्राफ की बात करने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर एक्स वाई एक्सिस डिस्टेंस को डिनोट कर रही है और टाइम एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है, तो आपका अगर ये दोनों एक लीनियर ग्राफ दे रहे हैं तो आपका कैसा होगा? यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेंगे. तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर देख सकते हो स्पीड क्या होगी, ये वाला जो स्लोप है ये ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी हो जाएगा स्पीड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ. और आपको पता है अगर स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो तो क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन या वेलोसिटी. तो अगर स्पीड रिमेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो, तो आपको क्या होगा? नो एक्सेलरेशन. ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है? नो एक्सेलरेशन का. ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है? नो एक्सेलरेशन.
लेकिन अगर ग्राफ में जो स्पीड है वो वेरी कर रही हो, एक ग्राफ के साथ एक स्लोप के साथ स्पीड बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ को कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है आपका कौन सा ग्राफ, स्पीड और टाइम का ही। अगर ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, तो वो इंडिकेट करेगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन याद आ रहा है ना, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता था रिटार्डेशन, तो देख रहे हो रिटार्डेशन में कैसा स्लोप आएगा, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इसे बोलेंगे हम रिटार्डेशन। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अगर इनिशियल स्पीड से पहले बिकम ये क्या था, जीरो स्पीड थी, और इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी, यहाँ पे इज नॉट जीरो, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे कुछ ना कुछ है ना शो कर रहा है। ठीक है, अगर इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो तो आपका ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। ये ओरिजन होता है, ये वाला पॉइंट ग्राफ में, ये होता है ओरिजन, क्या कहते हैं इसको, ओरिजन, जहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट, ओरिजन। ठीक है, हमारे स्पीड टाइम में एक अलग ग्राफ आता है, वो है कर्व लाइन। अगर कैसे हो, स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ आ रहा हो ऐसा कर्व लाइन हो, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व लाइन होती है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना है, आंसर्स देने हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर्स देने। ठीक है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आंसर्स देंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। अब ग्राफ में देखो OA कहाँ है, देखो भैया OA, OA क्या है यहाँ पे, ये, और इसमें OA में क्या हो रहा है, ये किसका ग्राफ है, स्पीड और टाइम का। अगर स्पीड और टाइम होगा और लीनियर लाइन आएगी तो आपका क्या डिनोट करेगा, OA, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपको रिप्रेजेंटेशन करना है AB को, रिप्रेजेंटेटेड बाय AB, मोशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB, AB कैसे है, कांस्टेंट लाइन है, और अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो आपका ग्राफ के में क्या होगा, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट वन BC, BC का स्लोप देखिए रिटार्डेशन है, स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, और जब डाउनवर्ड जाता है तो रिटार्डेशन, नो नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्राफ में नो आप कैंसिल कर देना, नो ये गलती से प्रिंट हो गया है, नो नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया। ठीक है, ग्राफ में फाइंड करना है कि OA ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, AD अपॉन OD, ग्राफ में आप देख लेना, तो 6/4 मीटर स्क्वायर, 6/4 तो 1.5 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम देखेंगे BC का, तो BC के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो BC के लिए क्या हो जाएगा, BC को ग्राफ में देखिए, ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये BE अपॉन BC है ना, 6/6 सेकेंड, देख भी सकते हैं हम ग्राफ में, ये रहा ग्राफ। अब इसमें हमें क्या करना था, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को फाइंड आउट करना था ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बोला था हमने, जो हमारा पहला डी पॉइंट था और ई पॉइंट था, तो यहाँ से, और रिटार्डेशन ये वाला ये, ठीक है, और ये कौन सा था, AO, AO में क्या होगा, AD अपॉन OD, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कैसा होगा, BE अपॉन EC। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, ये कौन सा टाइप का है, डी पॉइंट। आप इसमें क्या करोगे, इसे ये है डी पॉइंट,
डी पॉइंट डी एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है रिटार्डेशन को, तो रिटार्डेशन हमारा है कौन सा कैलकुलेट करना है, ई पॉइंट, ठीक है, हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से, तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं किसका, वेलोसिटी और टाइम का। यहाँ पे से ओ ए एक इनिशियल वेलोसिटी है और ए से ई तक ये फाइनल वेलोसिटी है वी, ओ से लेकर ए तक भी ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी, और ए से बी तक क्या होगा, ये एक्सेलेरेशन को डिनोट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है। तो मान लें हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेगा पॉइंट ए पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू इज इक्वल टू ओ ए, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी इक्वल टू बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बी सी, बी सी देखो, बी सी, बी सी इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, और बी डी, बी सी क्या है, वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। यहाँ से डी सी और ओ ए दोनों इक्वल हैं, ये देखिए ये है डी सी ये वाला, तो ये है ओ ए, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हो बी डी की जगह प्लेस पे, डी सी की प्लेस पे ओ ए, और ओ ए क्या है, यू, और एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए इज इक्वल टू हो गया बी डी अपॉन ए डी, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे एक्सेलेरेशन के टर्म में, क्योंकि ए डी क्या है, ए डी है आपका टाइम टी, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टी, देखिए नेक्स्ट, तो ये देखो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी इक्वल टू टी, तो ए इक्वल टू बी डी इंटू बी डी अपॉन टी, तो बी डी इक्वल टू ए टी, तो ये बी डी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वो बी इक्वल टू ए टी प्लस यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी डी था पहले, यहाँ पे बी डी था ना, और फिर क्योंकि पहले हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वी की, क्या आई थी, वी इज इक्वल टू बी डी इज प्लस यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम बी डी की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ये तो जब बी डी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो आपके क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू ए टी प्लस यू।